सरकार भले ही प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के दावे करे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। मामला राज्य परिवहन विभाग का है, जिसके कर्मचारी चेकपोस्ट पर अवैध वसूली करके सरकार की व्यवस्थाओं को तार तार कर रहे हैं। ऐसी अवैध वसूली गुजरात पर्यटकों से राजस्थान में एंट्री के नाम पर हो रही है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एंट्री टैक्स के नाम पर परिवहन विभाग के अधिकारी राजस्थान बॉर्डर की रतनपुर चौक पोस्ट पर वाहनों से 7,000 रुपए वसूल रहे हैं, जिसमें विभाग 6,420 रुपए ही रसीद दे रहा है और बाकी के 580 रुपए अवैध वसूली के नाम पर लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो अहमदाबाद निवासी संजय देवड़िया ने पोस्ट किया है। संजय अपने परिवार और मित्रों के साथ उदयपुर घूमने के लिए आए थे, तभी रतनपुर चौक चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने परिवहन मंत्री तक कमीशन जाने की बात कहकर अवैध वसूली करी है। इस वायरल पोस्ट में पीड़ित ने आमजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी अपील करी है। ये अहमदाबाद की पोस्ट है राजस्थान की, खुलेआम चोरी करते हो, 10,000 गाड़ी निकलती है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सटा कौन ले रहा है? 7,000 रुपए मैंने दिए, 7,000 रुपए मैंने दिए, पैसे दिए वो पूछो उसको। 7,000 रुपए लिए कि नहीं? 7,000 रुपए लिए मेरे से। आप कौन है? आपके इधर के कौन सी गाड़ी? कौन सी आपकी? अरे गाड़ी है 9 नंबर की गाड़ी है, 900 की। ये 6,420 की रिसीप्ट दिए मेरे को, 7,000 रुपए लिए। आपका नाम क्या है? चेहरा लाइट में दिखाओ, आपका नाम क्या है? नहीं, आप चोरी करते हो, पगार नहीं मिलता आपको? 500 रुपए लिए, पगार नहीं मिलता आपको? भ्रष्टाचारी इनसे, ओए मिस्टर, आपने 500 रुपए लिया मेरे से, 7,000 रुपए लिया, शर्म आती है आपको? ये अहमदाबाद की पोस्ट है राजस्थान की, खुलेआम चोरी करते हो, 10,000 गाड़ी निकलती है। आपका नाम क्या है? आप जी स्क्रीन पर तस्वीरें, खुलेआम यहाँ पर भ्रष्टाचार का गोरख धंधा फल फूल रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे, लेकिन यहां पर कार्रवाई करने वाला कोई भी नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे एवं संवाददाता रवि हमसे जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ था ये पूरा मामला? टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। जी पूजा, बताना चाहूंगा, वाकई में ये जो वीडियो इस वक्त जो चल रहे हैं वो राजस्थान के लिए बेहद शर्मनाक है, क्योंकि अधिकतर जो पर्यटक हैं वो गुजरात से यहाँ पर उदयपुर में राजस्थान में घूमने के लिए आते हैं, अपनी फैमिली के साथ में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जो इस तरह की अवैध वसूली उनसे की जाती है, तो उनके जो दिमाग पर एक राजस्थान की छवि है वो बड़ी खराब हो जाती है। और जिस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ है चौकी पर, तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उस वक्त जो ड्यूटी पर थे, वो उस एक आम इंसान की बात को सुन भी नहीं रहे हैं, और बिल्कुल वो जो है अपनी एक अकड़ है उन लोगों के अंदर में, और वो अकड़ उनकी खत्म नहीं हो रही है। और वाकई में जिस संदीप देवड़िया ने ये वीडियो बनाया है बहुत हिम्मत का एक काम किया है, क्योंकि रात के वक्त का ये वीडियो है, पूरे अधिकारी और बाकी लोग वहां पर होते हैं, उनके सामने उसने पूरा वीडियो बनाया है और अपील भी की है लोगों से कि भ्रष्टाचार को की लड़ाई को लड़ने के लिए वो लोगों का साथ चाहता है। जी जी रवि, इस वीडियो में साफ तौर पर जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, सभी के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या महकमा हरकत में आया है? कोई कार्रवाई की गई है? जी पूजा, बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद में मीडिया में आया है, तो उसके बाद में जो पूरा परिवहन विभाग है उसमें एक हड़कम सा मच गया है, और जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो या तो वो मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर उनके पास ये जवाब एक बार कि इस तरह का जो वीडियो आया है इसको एकदम से सच नहीं माना जा सकता है और पहले इसकी जांच की जाएगी। जैसा कि हर बार होता है कि किसी विभाग का इस तरह का कोई भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आता है, तो उनका यही एक बयान होता है कि चीज सामने आई है उसको हम जांच करेंगे, अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो फिर उसका जो जिम्मेदार है, जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस ये कह के उन्होंने जो एक टालम टोल वाला रवैया अपनाया। जी रवि, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में परिवहन मंत्री का भी नाम सामने आया है कि कमीशन उन तक पहुंचता है, तो सरकार और प्रशासन दोनों इस बार घेरे में। जी पूजा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो वीडियो ये बनाया था जिस युवक ने, उसने वहां पर जब लोगों से ये बात की तो वहां के अधिकारियों ने साफ तौर पर ये कहा कि तुम्हें जो करना हो कर लेना, क्योंकि इसका कमीशन तो है, हम मंत्री तक को पहुंचाते हैं, और जब मंत्री की बात होती है तो सीधी बात है परिवहन मंत्री की। तो इस तरह के जो बयान उन लोगों ने वहां पर दिए, लेकिन उनको ये शायद नहीं पता था कि
की एक सतर्कता दिखाते हुए उस युवक ने उस वीडियो को कैप्चर कर लिया है और आगे उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और वाकई में वीडियो बनने के बाद में सरकार पर भी एक बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, और लेकिन जब निचले स्तर पर देखा जाए कि इस तरह से कोई पर्यटक जब आता है उसके सामने उसकी एंट्री होती है, उसको यहाँ पर जो है धोखा मिलता है, उसका गोरख धंधा होता है, तो कहीं ना कहीं छवि जो है वो राजस्थान के लोगों के मन में खराब हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे वन संवाददाता रवि मल्होत्रा हमसे जुड़े, जिन्होंने बताया क्या कुछ था ये पूरा मामला, और कहीं ना कहीं इस पर्यटक ने सजगता दिखाते हुए, मुस्तैदी दिखाते हुए इस वीडियो को बनाया, बहुत ही हिम्मत का काम। और इस पूरे मामले में, इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में कर्मचारियों और प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार भी घेरे में आती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी और कितने कदम उठाए जाते हैं।